जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, नंदन गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, ये मेरा पहला शुक्राना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, मैं गुरु जी के सामने बैठी, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी बोलूँ बस आप बुलवाना, आप याद दिलाना, मैं बहुत भूल जाती हूँ, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। आप लोग भी संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मुझे ये भी याद नहीं मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ। वैसे तो मुझे मेरी सिस्टर ने अभी जस्ट 2 महीने पहले January 3 में मेरे को गुरु जी के सत्संग में, उनके घर में हुआ था तो मैं वहाँ गई थी, मैंने वो अटेंड किया था। लेकिन वो मुझे बताती बहुत पहले से रहती थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, शायद मुझे क्लियरली इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं गुरु जी की मूर्ख सी बेटी, कुछ नहीं जानती। मुझे एक आंटी लेके गई थी, मेरी सास की फ्रेंड थी, वो बोली थी मुझे आपको अपने गुरु जी से मिलवाने ले चलती हूँ, चलो। अब वो मुझे शिव मंदिर में लेके भी गई थी, वहाँ जाके मैंने कहा गुरु जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो तो समाधि ले चुके हैं, वो नहीं है। तो मैं मन में सोची कि जब गुरु जी नहीं है तो कैसे उनके दर्शन होंगे। वहाँ जाके मैंने सबसे पूछा कि करना क्या है, कोई ध्यान, कोई पूजा, कोई मंत्र, तो सब बोले नहीं कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और बस अपने भगवान का नाम लेना है। मैंने सोचा ऐसा कैसे होता है, हम लोग शुरू से आज तक देखते आए हैं कि पूजा करते हैं, मंत्र जाप होता है, कोई भजन कीर्तन होता है, तो मुझे समझ नहीं आया। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है कि गुरु जी ही थे। उस वक्त में मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझे एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था, मेरा एक बेटा हो चुका था और दूसरी बेटी मेरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं दूसरी बेटी की प्लानिंग कर रही थी और प्रॉब्लम ये थी कि मेरी इस बीमारी की वजह से डॉक्टर ने बताया था कि मेरे को प्रेगनेंसी में अगर एपिलेप्सी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चे के लिए भी खतरा है। गुरुजी ही थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बेटी एकदम ठीक हुई, और जब वो उसकी डिलीवरी हुई तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, बच्चा उल्टा था। आधे घंटे में डिलीवरी भी हो गई, मेरी बेटी स्वस्थ भी है। जिस तरह से डॉक्टर ने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से डरा दिया था कि आपने मेडिसिन ली है और इससे बच्चे के ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा अपाहिज हो सकता है, मैं बहुत डर गई। गुरु जी की कृपा थी कि मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, स्वस्थ है, अब तो उसका स्कूलों में भी नाम, इतना टीचर करती हैं कि उसको अवार्ड्स मिलते हैं, उसको ट्रॉफीज मिलती हैं, सब गुरु जी की कृपा है। पर मुझे पता नहीं था और इस बात का मैंने गौर भी ज़्यादा नहीं किया कि आज 12 साल इन सब चीज़ों को हो गए हैं, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम जो एपिलेप्सी की थी वो कभी हुई ही नहीं दोबारा। मुझे कभी भी वो प्रॉब्लम हुई नहीं, वो अचानक से कैसे ठीक हो गई। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया, बस मैं वहाँ गई थी। आज ये सब चीज़ें जब मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ तो मुझे ये चीज़ फील होती है। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, पर गुरु जी कहते हैं शुरू से बताओ, तो इसीलिए। दूसरा, जब मेरी सिस्टर ने जब बताया सत्संग से जुड़ी, तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं रात को सोती हूँ तो रात को मुझे 1:30-2:30 बजे के करीब एकदम से एक बार दरवाजे पे जो कुंडी होती है वो नॉक होती है ना, ज़ोर से ठाक करके ऐसी आवाज़ आती है। तो उन्होंने ही मैंने कहा, मैं तो किसी बाबा को, पीर फकीर को, किसी को नहीं जानती, मैं क्या करूँ, अगर ये कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिविटी या कुछ है तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं गेट तो नहीं खोलती और मैं जग जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि दोबारा बजे तो खोलूँ, पर वो दोबारा कभी नहीं बजता। और ये मेरा आज से नहीं, कई टाइम से होता जा रहा है और लगातार नहीं होता, कभी कभार होता है बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करो। मुझे कोई मंत्र भी नहीं पता तो उन्होंने मंत्र बताया। उसी नाइट को मैं वहाँ उनके ही घर में सो रही थी, गेट तो नहीं बजा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेस्ट के ऊपर बहुत हैवीपन हो और बहुत भारी सांस अटक रही हो। मैं
आँख खुल गई और मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगने लगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे याद आया मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है मंत्र जाप करना है, मैंने उसी वक्त मंत्र जाप शुरू किया। बस दो बार ही मंत्र जाप किया कि एकदम से सब कुछ हल्का हो गया, एकदम से रिलीफ हुआ, एकदम सांस आने लगी और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। बस वहीं से गुरु जी से ऐसी कनेक्टिविटी बैठी है कि गुरु जी तो हर चीज़ का आंसर मुझे, मैंने वो गुरु जी को बोला भी, गुरु जी मैं आपकी मूर्ख बच्ची में जल्दी से हिंट समझ नहीं पाती, आप मुझे डायरेक्ट बता देना। तो बस जब मैं कुछ भी पूछती हूँ मुझे मोबाइल पे या किसी भी तरह, वह गुरु जी मुझे तुरंत मैसेज दे देते हैं। इसी तरह दूसरा मेरे साथ हुआ, होने को तो बहुत सारे हुए हैं, कुछ है जो मैं याद आ रहे हैं, कुछ है नहीं याद आ रहे, कुछ है मैं बताना नहीं, प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहती। तो गुरु जी ने मेरे पास मैसेज किया कि बेटा मैंने तेरे पति का बड़ा संकट काट दिया है। मैं सोची कि मेरे पे क्या संकट आना था, तेरे पे भी संकट काट दिया है बेटा, तेरे कल्याण की था। दो तीन मैसेज ऐसे आए और मैं समझ नहीं पाई। मैं सोची मैं तो घर में ही हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड की दुकान दूर नहीं है, पास में ही है, मेडिकल शॉप है, वो तो दुकान में बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं किसी और के लिए मैसेज होगा। लेकिन रात को मेरे हस्बैंड जब घर में आए तो उन्होंने बताया कि आज जब बारिश हुई थी, सामने इनकी दुकान के स्कूल है, उसकी बड़ी सी खिड़की लोहा की एकदम, बस ये बाइक खड़ी करे हैं और सामने इन्होंने शॉप ओपन करी है, बस बाइक के ऊपर वो खिड़की आके गिरी है। मेरे गुरु जी ने इनको बचा लिया, मेरे हस्बैंड को बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, ऐसे कई सारे शुक्राना हैं। गुरु जी महाराज ने मुझे ऐसे ऐसे ब्लेस किया है कि गुरु जी को मैं चाहती थी कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊं, पर मैं बहुत दूर रहती हूं, मैं रांची रहती हूं और मेरा मन है बड़े मंदिर जाने का, और इन 3 महीने में मेरा दिल्ली जाना बहुत पड़ा है लेकिन मैं नहीं जा पा रही, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो गुरु जी के आगे मैं कह रही थी गुरु जी मेरे को आना है पर मेरे को आना नहीं हो पा रहा, आप ही बुलाओ। तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया, बेटा तू बहुत आना चाहती है मैं जानता हूँ और तू आ नहीं पा रही है, शिवरात्रि के दिन सब मुझसे मिलने आएंगे, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, इतना ब्लेस फील हुआ कि गुरु जी मुझसे खुद मिलने आएंगे। और 7 तारीख 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी मुझे। 7 तारीख के दिन कुछ खास नहीं हुआ, बस मेरी सिस्टर ने गुरु जी की संगत सत्संग रखा था तो उनमें हमको भी वीडियो कॉलिंग पे सब दिखाया था, उनके यहाँ अमृत वर्षा हुई, वो सब दर्शन हुए, पर मैं मूर्ख समझी ने कि यही दर्शन थे। पर 7 तारीख को रात को बैठी मैं गुरु जी से कंप्लेन कर रही थी, गुरु जी माफ़ करना मुझे, मैं गुरु जी से कंप्लेन कर रही, गुरु जी 7 तारीख की मुझे आपने ब्लेसिंग दी और कुछ भी नहीं हुआ। और 8 तारीख को भी सवेरे उठ करके मैं यही कह रही, गुरु जी आप तो मुझसे मिलने आने वाले थे और मुझे आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी थी और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ फील नहीं हो पा रहा, मुझे फील करवाओ। बस मैं उठ कर के बेडरूम से निकली हूँ अपने वॉश बेसिन की तरफ, इतना सा निकली हूँ और मुझे एकदम से मोगरे की फ्रेगनेंस आई है और वो बस 2 सेकेंड रही और चली गई और दिमाग में क्लिक हुआ गुरु जी आ गए मिलने के लिए। उसी दिन की मेरी ट्रेन थी, दोपहर में मैं ट्रेन में बैठ गई, मैं गुरु जी से बोली गुरु जी मेरे साथ रहना, तो गुरु जी सच में मेरे साथ थे। रात को मैं बोली गुरु जी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे फील कराओ। ट्रेन में ही मुझे सिर्फ 1-2 सेकेंड के लिए फूलों की, गुलाब के फूलों की प्रेगनेंस आई और चली गई। मेरे बगल में मेरी बेटी थी, मैंने बोला बेटा आपको भी आई, तो वो बोली नहीं मम्मी हमें नहीं आई है। मैंने जय गुरु जी, ऐसे ही मैं अगले दिन जब दिल्ली पहुंची मैंने कहा गुरु जी आप मुझे फील कराओ, आप मेरे साथ हो। तो उस वक्त तो कुछ नहीं था, जैसे ही बोला पर तुरंत ही मेरे को 3-4 गाड़ी गुरु जी लिखी हुई, गुरु जी जय गुरु जी लिखी हुई मेरे सामने आ गई। जय गुरु जी मेरे साथ रहने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए गुरु जी, संगत जी मेरा पहले सत्संग, मुझे इतना ही याद आ पा रहा है। अगले सत्संग में मैं ज़रूर और सब शेयर करूँगी, बहुत सारे सत्संग है छोटे छोटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का शुक्राना करके मंत्र जाप से अपना सत्संग एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और गुरु जी हमारे सारे संगत के अंग संग हैं, शुक्राना है गुरु जी आपका।